नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज़ यूट्यूब चैनल में। और ये है हमारी फेलोशिप सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स और अवार्ड्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंस्पायर अवार्ड के बारे में, मानक अवार्ड जिसको कहा गया। डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी रहती है उस अवार्ड के केस में, और किस तरह से जो है प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपके लिए। तो अब दूसरे कंपोनेंट पे बात करते हैं दोस्तों। इंस्पायर का जो दूसरा कंपोनेंट मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो था SHE कंपोनेंट। SHE यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स इसमें अवार्ड होंगे। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, और ये भी डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, और कितना अमाउंट जो है वो DST प्रोवाइड कर रही है इस केस में। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं SHE कॉम्पोनेंट ऑफ इंस्पायर प्रोग्राम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये कंपोनेंट है हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए इसका नाम है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को दिए जाएंगे 80,000 रुपये पर ईयर हायर एजुकेशन के लिए, यानी BSc और MSc करने के लिए पर ईयर स्टूडेंट को दिए जाएंगे 80,000 रुपये। और कौन सा एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा, एज ग्रुप होगा 17 साल से लेके जो 22 साल तक के बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं, और इनको उनको जो है ये फेलोशिप अवार्ड हो सकती है। और ये टोटल 5 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी। तो BSc अगर आप 3 साल लेके चलें, 2 साल MSc लेके चलें, तो इसमें पूरा कवर हो जाता है। और 80,000 एक साल में अगर एक स्टूडेंट को मिल रहा है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा बुक्स का हो गया, अगर उसने कोई प्रोजेक्ट करना है वो इंक्लूड होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें DST ने इसको डिवाइड किया इस फंड को। अगर आपको 80,000 मिल रहे हैं, तो इसमें 60,000 जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे थ्रू DST, और जो 20,000 हैं वो आपको जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे। अगर आप उनको बताते हैं कि मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट, समर रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो हर साल जो है आपको 20,000 रुपये उसके लिए दिए जाएंगे। और जो समर प्रोजेक्ट रहेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एक रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंडिया का गवर्नमेंट एफिलेटेड बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो CSIR एफिलिएटेड लैब्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईसर हो गया, नाइसर हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं। उनमें वो स्टूडेंट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो रिसर्चर्स हैं उसमें जो काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन रिसर्चर्स को भी ये बताना होता है अपनी प्रोफाइल में कि देखिए जो है मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च करवा रहा हूँ, इतने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। तो आप ये मत समझिए कि वो आपको मना करेंगे या आपको थोड़ा ऑड फील होगा उनको कांटेक्ट करने में, नहीं, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये उनकी प्रोफाइल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। खासकर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, वो अगर मोटिवेटेड हैं, अगर उनके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, उनका शार्प माइंड है, वो काम करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो जो रिसर्चर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हो गए, IITs के हो गए, जो मैंने अभी बताया उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हो गए, तो वो खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट करते हैं ऐसे प्रपोजल्स। तो ये तो दोस्तों डिटेल हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आएंगे, और BSc और MSc के लिए जो जो बेसिक साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए जो ये SHE स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन जो स्कीम है
वो है। और अब आ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि एक स्पेसिफिक टाइप के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि अगर 12th का जो बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें आप जो है टॉप 1% में आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर आपने IIT JEE का एग्जाम दिया है और आप टॉप 10,000 कैंडिडेट में आते हैं और आप बेसिक साइंसेज में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने AIEEE का एग्जाम दिया है और उसमें आप आ रहे हैं टॉप 20,000 कैंडिडेट्स में आपका नाम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जब अप्लाई करेंगे तो। और अगर आपने CBSE मेडिकल का एग्ज़ाम जो है क्लियर किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचुरल साइंस में रिसर्च करूं। एक और पॉइंट मैं आप बताना चाहता हूं कि जो ICER और NICER और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो बेसिक साइंस के लिए सेंटर है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपकी सिलेक्शन हो गई है तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक क्राइटेरिया। एडिशनल इसमें जो DST ने कहा है वो है KVPY फेलो जो हैं। अब ये KVPY क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत जो स्टूडेंट आते हैं वो भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा NTSC, अब ये NTSC क्या है, वो ये है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं SHE के लिए। अगर आप ओलंपियाड मेडलिस्ट हैं तो भी आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च के स्कॉलर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि देखिए, अगर आपको दूसरी फेलोशिप्स मिली हैं वो भी आपको प्रमोट कर रही हैं इस फेलोशिप के लिए, तो ये एक तरह का चेन हो जाता है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है, मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो अगर आपको छोटी फेलोशिप्स मिली हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि जो फेलोशिप्स होती हैं वो प्रमोट करती हैं दूसरी फेलोशिप्स लेने के लिए, जॉब्स लेने के लिए और बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस लेने के लिए। तो आप अप्लाई कीजिए, छोटी छोटी फेलोशिप्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें आप अप्लाई कीजिए। तो जब आप बड़ी फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे। लिस्ट है मेरे पास, तो मैं इनका नाम लेता हूँ सब्जेक्ट का, ध्यान दीजिएगा। इसमें इंक्लूड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशन साइंस, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोफिजिक्स। अब ये नेचुरल साइंस और बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनमें आप जो है BSc MSc करना चाहते हैं तो आप अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, SHE प्रोग्राम के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके चांसेस जो हैं, अगर आपके पास आपका प्रोफाइल कंप्लीट है तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं जिसमें करना चाहता हूँ वो कोर्स तो इसमें है नहीं या आपको मिला नहीं, तो आप डायरेक्टली जो है DST से बात कर सकते हैं। जो DST में वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने DST इंस्पायर फेलोशिप में PhD की है। ड्यूरिंग माय PhD मेरे को अवार्ड हुई थी। तो उसमें क्या होता है, आपको DST के साथ बात करनी होती है, रिपोर्ट भेजनी होती है, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप उनको ईमेल करेंगे वो आपको डिटेल में बताएंगे। वो अपने प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए ही वहाँ पे बैठे हुए थे, तो आप जो है उनको ईमेल कर सकते हैं। मैं जो उनका जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप DST टाइप करें गूगल में, DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपनी डिग्री से रिलेटेड या अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और वो आपको डिटेल में समझा देंगे और आपको जो है बता देंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ये तो उस फेलोशिप की एलिजिबिलिटी में इंक्लूडेड है। अगर कोई चेंज हो जाता है तो DST नोटिफाई कर देते वो चेंज। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। अब ज़्यादातर जो है ऑनलाइन सिस्टम तो हो ही गया है, तो आपने क्या करना है, लॉगिन करना है पोर्टल में जाके, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपने सबमिट करने हैं, उनकी स्कैन कॉपी अपने सबमिट करनी है, यानी जो जो मैंने अभी आप बताया आपको उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे तो उनको जो है आपने सबमिट करना है ऑनलाइन। और फिर जो है आपके एप्लीकेशन जो स्क्रीन होगी, और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है आपका नाम तो वो एक लिस्ट जो है डिस्प्ले करेंगी, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो है सिलेक्ट कैंडिडेट माने जाएंगे इस फेलोशिप के लिए। और आपको गवर्नमेंट इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको एक पूरा लेटर दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप जो है इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए जो है सिलेक्टेड हैं। एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, फिर ऑफर लेटर को आप एक्सेप्ट करेंगे और जो है अपनी डिटेल भरेंगे। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उन्होंने SBI का जो है आपकी पासबुक का जो फर्स्ट पेज भी मांगा हुआ है, ताकि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। तो जो डायरेक्ट ट्रांसफर है मैंने आपको बताया कि 60,000 रुपये जो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, और दूसरा जो है समर फेलोशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की तो जो DST में पैनल होएगा साइंटिस्ट का, जो पैनल होगा साइंटिस्ट का, वो एप्लीकेशन आपकी जो है स्क्रीन करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये जो अमाउंट आपके बैंक में आएगा इसको आप यूज़ कर सकते हैं बुक्स के लिए, इसको आप दूसरी आपकी फीस जो है उनको देने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और भी अलग अलग चीज़ों के लिए अगर आप प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाता है उस कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट जो हैं फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन उनमें ब्रिलियंस है। तो आइडियाज़ फेलोशिप का ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन आप बिल्कुल टॉप रैंक पर तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपकी ब्रिलियंस की वजह से आप में एक पोटेंशियल है जो आपको जो है हायर एजुकेशन के लिए एक तरह से डाइवर्ट कर सकता है, एक तरह से एलिजिबल बना देता है। तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती है उन कैंडिडेट्स को जिनमें पोटेंशियल है। तो अगर आपने आपका रैंक जो है टॉप 1% में है, अगर आपका रैंक अच्छा है IIT के एग्ज़ाम में, तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं बेसिक्स एंड नेचुरल साइंसेज में, तो आपको जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया अमाउंट है फेलोशिप का स्टूडेंट्स के लिए, और 5 साल तक के लिए है, तो आपकी BSc तक जो है उसका जो है सारा एक्सपेंस जो है DST की तरफ से होगा, और आपकी जो है डिग्री में काफ़ी सपोर्ट होगी। उसके बाद आपका इंस्पायर फेलोशिप आ जाती है जो आपकी 5 साल के लिए PhD को कवर करती है, अगर आप बहुत बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, आप जब फेलोशिप किसी प्रोजेक्ट की आपको मिलती है उसमें आपको जी लगा के मेहनत करनी होती है, आपको बहुत बढ़िया काम करना होता है उसमें, तो आपको जो दूसरा जो एडवांस कंपोनेंट है उस फेलोशिप का उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आपकी जो है स्टेप बाय स्टेप सारी एजुकेशन एक तरह से फ्री हो जाती है। अगर आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज में जो डेवलप कंट्री हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, उनमें आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा जो है स्टूडेंट लोन होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर फीस इतनी ज़्यादा होती है, उनको लोन लेना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है उन पे बहुत प्रेशर होता है। जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी सालों तक वो लोन जो है उनकी जो है किस्त देते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, आपको लोन भी नहीं लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको गवर्नमेंट जो है
ऊपर से सपोर्ट कर रही है, तो जब आप जॉब करेंगे तो आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप जो है एक अच्छी लाइफ जो है जी सकते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाइए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपकी सिलेक्शन हो, अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ जो होता है ना दोस्तों, बॉयल डाउन होके आ जाता है क्लासरूम पे, वहाँ पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से आप जो है अपने जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप एक्सरसाइजेज जो आपको दी जाती हैं उनको किस तरह डेली बेसिस पे आप करते हैं, तो ये धीरे धीरे जो सारी चीज़ें काउंट होती हैं, अल्टीमेटली आप जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं एंड में। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने कोशिश करेंगे आपका रैंक एकदम ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये शॉर्टकट इसमें नहीं होता। तो आपको जो है पूरा एक कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली काम करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेशेंस रख के काम करना है और अपना 100% देना है। तो और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी आप अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। DST आपको मौका देगी, DBT आपको मौका देगी, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको मौका दे सकती हैं, बस आपको अवेयर होना है इन चीज़ों का। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको SHE कंपोनेंट समझ में आया होगा। SHE कंपोनेंट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना क्वेश्चन डालिए। अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पूछना है आप डायरेक्टली DST से कांटेक्ट कर सकते हैं, डेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, वो ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलरली ये वेबसाइट विजिट विजिट कीजिए, DST की वेबसाइट, और आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको SHE फेलोशिप के बारे में, शी फेलोशिप के बारे में बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी जो फेलोशिप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको अवेयर रखेंगे दोस्तों। ये फेलोशिप्स के बारे में अवेयर होना एज ए स्टूडेंट भी बहुत ज़रूरी है, एज ए पेरेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूँगा दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।